पूरे उत्तर भारत में एक बार फिर से शीतलहर का प्रचंड दिखाई दे रहा है। बात करें राजधानी लखनऊ की तो यहां सुबह का तापमान 10 डिग्री से नीचे है। हल्के कोहरे के कारण सर्द हवाओं से लोग परेशान हैं। अलाव के सहारे लोग ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से देखिए जी मीडिया संवाददाता की रिपोर्ट। दो दिन की राहत के बाद एक बार फिर से हाड़ कपकपा देने वाली ठंड वापस आ गई है। राजधानी लखनऊ में 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे विजिबिलिटी थोड़ी कम जरूर है, कोहरा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो ठंड है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया था कि आज से 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होगी। और सुबह का आप तस्वीर देख सकते हैं कि लोग जो अपनी गाड़ियों में लाइट जलाकर चलने पर मजबूर हैं क्योंकि विजिबिलिटी कम है, और ऐसे में आग का सहारा भी लिया जा रहा है। हमारे पीछे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो सुबह से यहाँ पर आग ताप रहे हैं और इसी का सहारा है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। कोहरा भले नहीं है लेकिन ठंडी जो हवा चल रही है, शीतलहर चल रही है, वो जो पछुआ हवाएँ हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही हैं। अलाव जला के लोग यहाँ पर सहारा ले रहे हैं। भाई साहब ठंड बहुत हो गई है, बहुत ठंडी हो, बहुत ठंडक बढ़ गई है, तो ये आग का सहारा है इस समय? बस बस आग ही का ही सहारा है भैया, क्या करा जाए। तो जब तक सूर्य देवता के दर्शन नहीं होंगे तब तक बैठे रहेंगे? हाँ भैया, हाँ भाई, जब तक आग ही जलेगी जब तक के फिर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था रहे, यहाँ पे रहती है क्या आग वगैरह की? नहीं भैया, हम लोग इधर उधर से व्यवस्था करके लाते हैं, वही जलाते हैं भैया। देखिए इनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से व्यवस्था यहाँ पे फिलहाल नहीं है। शहर के कई इलाकों में प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था की जाती है, नगर निगम की भी गाड़ियां रहती हैं। इसी के साथ डीएम की तरफ से भी ये आदेश जारी किए गए हैं कि जहां जहां पर जो ऐसे पीक पॉइंट्स हैं जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है, वहां पर लकड़ियां रखी जाए। लेकिन यहां पर इनके पास तो व्यवस्था नहीं है, ठंड बहुत ज़्यादा है, ऐसे में ये लोग कह रहे हैं कि जब तक सूर्य देवता के दर्शन नहीं होंगे इसी तरीके से आगे तापते रहेंगे और फिलहाल 3 से 4 दिनों तक कोई भी राहत मिलने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। कैसन देशराज के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ।